हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो फाइनली फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षकों की मांग को एक बार और अनूपपुर में उसका वाचन किया गया, किस प्रकार से नियमितीकरण किया जाएगा उसका वाचन किया गया। तो मैं पूरा वाचन आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये वाचन क्या है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है विधानसभा में रखवाने के लिए। देखिए वाचन फ्रेंड्स, पूरा उसकी रिपोर्ट। फ्रेंड्स, आज माननीय श्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल जी के अमलेहा जिला अनूपपुर आगमन पर हमारे बड़े भाई स्वरूप श्री लोकेश कुमार मिश्रा के संचालन में ग्राम के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता श्री सोनी जी के अतिथि शिक्षक नियमितकरण समस्या का सस्वर वाचन किया गया। इस विषय में प्रतिक्रिया में माननीय मंत्री जी ने अभी कैबिनेट मीटिंग में इस समस्या को रखने का आश्वासन दिया। ये जानकारी आप देखिए वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। मंत्रिमंडल शासन मध्य प्रदेश, ये आपके स्तर का है, हालांकि ये कैबिनेट स्तर का है। मोदी जी आप कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। श्री इंदर सिंह परमार राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री एवं सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल पाटी शिक्षक नियमितीकरण बाबत महोदय जिसे अंकित लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा उपजी अतिथि शिक्षक व्यवस्था आज 15 वर्ष से लगातार अपनी निष्ठा के साथ अल्प मानदेय पर कार्यरत है। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति यह है कि आर्थिक तंगी और सामाजिक सम्मान की कमी के कारण लगभग 70-80 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। माइनवर आज लोगों ने अपने जीवन के सुनहरे अवसर को इतने लंबे से सेवा देते आए हैं कि अब निश्चित आयु सीमा पर हो जाए के कारण अनियमित सेवा देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। निवेदन यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों के समान नीति बनाकर मध्य प्रदेश के माननीय श्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री एवं सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा दिया पत्र संलग्न समस्त अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित किए जाने की कृपा करें। धन्यवाद।